हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, कल दो आईपीओ ओपन हो रहे हैं। एक है सोना कॉमस्टार, दूसरा है दोस्तों श्याम मेटेलिक्स। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है दोस्तों, दोनों आईपीओ एक साथ हो रहे हैं बट पैसा लिमिटेड है, तो किस आईपीओ में अप्लाई किया जाए, कहाँ पर हमको ज्यादा लिस्टिंग गेन मिलेगा, कहाँ पर हमको ज्यादा बेनिफिट होगा, लॉन्ग टर्म की बात करें, शॉर्ट टर्म की बात करें, ये सारी बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सारे क्वेश्चन का, सारे डाउट का आपका दोस्तों यहाँ पर समाधान होने वाला है। एंड किसका वैल्यूएशन ज्यादा है तो यहाँ पर उसकी बात भी करेंगे, एंड कितना ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है उसकी बात भी करेंगे। तो ओवरऑल दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा, पूरा देखिएगा एंड तक। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, सोना कॉमस्टार की बात करें दोस्तों, कल ओपन हो रहा है, 16 जून को क्लोजिंग हो जाएगी। सेम इज द केस विद द श्याम मेटेलिक्स। अगर प्राइस बैंड की बात करें तो देखिए, 285 से 291 के यहाँ पर प्राइस बैंड रखा गया है। मार्केट लॉट 51 शेयर्स का होगा। बीएससी एनएससी पर लिस्टिंग होगी। 5500 करोड़ का दोस्तों इश्यू साइज है। और ये अगर 2021 के मैं बात करूं, इशू साइज की अगर कंपैरिजन में बात करूं, तो दोस्तों पावर ग्रिड इनविट आईपीओ सबसे बड़ा था, उसके बाद ये सेकंड लार्जेस्ट आईपीओ है 2021 की मैं बात कर रहा हूं, 5500 करोड़ का। ठीक है, फ्रेश इशू आप देखिए 300 करोड़ का है एंड ऑफर फॉर सेल यहाँ पर करीब करीब 5200 करोड़ का है। तो ये है दोस्तों इसकी डिटेल्स। अगर मैं आपको श्याम मेटेलिक्स की डिटेल्स बताऊँ तो सेम कल ओपन हो रहा है, 16 को क्लोजिंग हो जाएगी। 303 से 306 रुपये पर इक्विटी शेयर यहाँ पर प्राइस बैंड रखा गया है। मार्केट लॉट 45 शेयर्स का है। 909 करोड़ का यहाँ पर इशू साइज है, जो कि रिड्यूस किया गया है थोड़ा, पहले थोड़ा सा ये ज़्यादा था। फ्रेश इशू यहाँ पर 657 करोड़ का है एंड ऑफर फॉर सेल 252 करोड़ का है। और देखिए, एम्प्लॉय डिस्काउंट भी है, मतलब श्याम मेटेलिक्स के जो भी एम्प्लॉय हैं, जो भी इस कंपनी में काम करते हैं, उनके लिए 15 रुपये का डिस्काउंट भी है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये है कि किसमें हमको अप्लाई करना है। तो अगर बात करें तो सबसे पहले मैं श्याम मेटेलिक्स का आपको बताऊं, तो यहाँ पर दोस्तों रिटेल पोर्शन 35% का है, ये सबसे अच्छी बात है। एंड साथ ही में दोस्तों 900 करोड़ का आईपीओ है, हालांकि बड़ा आईपीओ है, लेकिन अगर कंपैरिजन करें सोना कॉमस्टार से तो छोटा आईपीओ है। तो यहाँ पर चांसेस ज़्यादा है हमारे पे, हमारे अलॉटमेंट आने के, लेकिन वहीं दोस्तों ये मेरे ख्याल से ज़्यादा ही सब्सक्राइब होने वाला है। उसके पीछे रीज़न क्या है अभी थोड़ी देर में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर थोड़ी सी हमको कॉम्पिटिशन मिल सकता है, मतलब कि अलॉटमेंट में यहाँ पर थोड़ा सा हमको जूझना पड़ सकता है, मिलेगा कि नहीं, उसके पीछे रीजन अभी बताएंगे। नेक्स्ट है सोना कॉमस्टार। तो सोना कॉमस्टार में देखिए दोस्तों, 5500 करोड़ का इशू है, लेकिन यहाँ पर ओनली 10% ही रिटेल पोर्शन है। तो यहाँ पर ऑफर इशू साइज भी बड़ा है और रिटेल पोर्शन भी कम है, लेकिन मुझे लगता है कि यह आईपीओ कम सब्सक्राइब होगा। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है दोस्तों, ग्रे मार्केट प्रीमियम आप देखिए 10 से 11 रुपये ही है, ओनली 291 के शेयर प्राइस पे 10 से 11 रुपये, मतलब कि 4% दोस्तों यहाँ पर लिस्टिंग गेन आज की डेट में हमको मिलता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही दोस्तों कम है। और अगर मार्केट की कंडीशन ख़राब रही तो ये 4% -4% और 10% भी हो सकता है। तो यहाँ पर काफ़ी रिस्क है, प्रीमियम अभी यहाँ पर अच्छे नहीं मिल रहे हैं। तो इसका पीछे यही रीज़न है दोस्तों कि रिटेल निवेशक इसमें हो सकता है कि कमी जाए, क्योंकि मोस्टली लिस्टिंग गेन के लिए सब यहाँ पर दोस्तों अप्लाई करने वाले हैं। अभी मैं आपको बताऊँगा आपको करना क्या है, अभी हम जनरल बात करें कि लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पर सब अप्लाई करने वाले हैं। तो सोना कॉमस्टार में मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हमको कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। वहीं श्याम मेटेलिक्स की बात करें तो देखिए, श्याम मेटेलिक्स में कितना ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, 165। जी हाँ दोस्तों, 306 के प्राइस पे 165 की, मतलब 55%। जी हाँ दोस्तों, ऑलमोस्ट 55% का हमको यहाँ पर लिस्टिंग गेन मिल सकता है, तो जो कि बहुत ही शानदार है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार है। लेकिन यहाँ पर देखिए, 35% रिटेल पोर्शन है, लिस्टिंग यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम ज़्यादा है, तो सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पर ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि लिस्टिंग के लिए यहाँ पर सब अप्लाई करने वाले हैं। तो उस हिसाब से हम बात करें तो देखिए, लिस्टिंग गेन के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर डेफिनेटली श्याम मेटेलिक्स जो है प्रिफर्ड चॉइस है, क्योंकि यहाँ पर लिस्टिंग गेन अच्छा मिल रहा है। और दूसरी बात कि यहाँ पर 35% रिटेल पोर्शन भी है, तो लिस्टिंग गेन के लिए भैया श्याम मेटेलिक्स यहाँ पर हो गया चेक। ठीक है, सोना कॉमस्टार हो गया, सोना कॉमस्टार हो गया यहाँ पर दोस्तों अनचेक। ठीक है, सोना कॉमस्टार की बात करें तो यहाँ पर सोना कॉमस्टार लिस्टिंग गेन के लिए नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि सोना कॉमस्टार की जब मैं बात करूँ दोस्तों पी रेशो की, तो अराउंड 80 के आसपास इसका पी चल रहा है, FY21 के ईपीएस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। और प्राइस टू बुक वैल्यू भी आई थिंक इसका अराउंड 14 या 13 के आसपास चल रहा है, जो कि बहुत ही महंगा है पीयर्स कंपैरिजन के मुकाबले। अगर मैं बात करूँ बॉश की, तो बॉश का अराउंड 45 के आसपास पी चल रहा है। ठीक है, और एंड्योरेंस का अराउंड 40 के आसपास पी चल रहा है, ये बॉश का है, ये एंड्योरेंस का है, और मदरसन सुमी का भी 70-75 के आसपास चल रहा है। तो वहीं सोना कॉमस्टार का देखिए आप, 80 चल रहा है। हालांकि कंपनी की बात करें तो कंपनी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है, ब्लैकस्टोन जो है इससे इसकी बैकिंग है, और लीडिंग एक्सपोर्टर है दोस्तों स्टार्टर मोटर्स में, और वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ये डिफरेंशियल गियर्स में। तो कंपनी का जो पोर्टफोलियो है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत ही शानदार है। यहाँ पर अगर बात करें इसके मार्केट प्रेजेंस की, मार्केट शेयर की,
ईवी इलेक्ट्रिकल ग्लोबल ईवी सप्लाई को ऑलरेडी ईवी सप्लाई जो है कंपोनेंट्स कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं आपको यहाँ पर वापस से बताता हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए सोना कॉन्स्टेंट मेरे ख्याल से बेटर है। लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पर श्याम मेटेलिक्स बेटर है। और श्याम मेटेलिक्स की मैं पीई की बात करूँ तो पीई भी दोस्तों 15x के आसपास चल रहा है। वहीं श्याम मेटेलिक्स की मैं बात करूँ, चलिए श्याम मेटेलिक्स पे यहीं पर बताया था, उसका पीई अराउंड 15x के आसपास चल रहा है। वहीं अगर मैं कंपैरिजन करूँ टाटा स्टील से तो 21 का पीई है टाटा स्टील का, और जेएसडब्ल्यू स्टील का अराउंड 16 के आसपास पीई है। तो श्याम मेटेलिक्स दोस्तों यहाँ पर कम अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर आप जीएमपी देखेंगे इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम तो इतना ज़्यादा मिल रहा है, और ऊपर से स्टील सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आपको अगर मैं पूरा संक्षेप एक समरी बताऊं तो लिस्टिंग गेन के लिए दोस्तों यहाँ पर डेफिनेटली श्याम मेटेलिक्स ऑन है, और हम पूरा यहाँ पर कवर करेंगे तीनों दिन का कितना सब्सक्रिप्शन रहता है, क्या ग्रे मार्केट में चेंजेस होते हैं तो वो सब भी हम बात करेंगे, और क्या स्ट्रेटेजी आगे फॉलो करनी है आपको वो भी हम बात करेंगे। कल के दिन दोस्तों अप्लाई नहीं करना है, एटलीस्ट दूसरे दिन तक का वेट हमको करना है तभी यहाँ पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर समरी यही है, लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है हमको श्याम मेटेलिक्स में। और अभी दोस्तों देखिए मैं लॉन्ग टर्म के लिए तो दोनों में ही मना करूंगा, क्योंकि अभी देखिए मार्केट ऑल टाइम हाई है और जिस प्रकार से वैल्यूएशन है सोना कॉन्स्टर की, तो अभी भी दोस्तों कुछ आगे के एक दो क्वार्टर्स के रिजल्ट आने दीजिए सोना कॉन्स्टर के, तब हम यहाँ पर दो डिसीजन ले पाएंगे। क्योंकि कंपनी अच्छी है, अगर आगे क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट आए तो हम डेफिनेटली तब अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है दोस्तों आईपीओ में ही अप्लाई करें। कभी कभी आईपीओ आपको ओवर प्राइस्ड भी देखने को मिलते हैं, जैसा पिछले साल हमने देखा जितने भी आईपीओ आए थे अच्छा खासा उनको लिस्टिंग गेन मिला, लेकिन उसके बाद क्या हुआ देखिए, चाहे कैमकॉन की बात करें, चाहे अनुपम रसायन की बात करें, चाहे और दूसरे भी अभी आपको याद होंगे सब नीचे आए लिस्टिंग के बाद। तो यही सिचुएशन है दोस्तों कि लिस्टिंग में आपको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देखना, ओनली लिस्टिंग गेन के लिए देखिए अभी की सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से वैल्यूएशंस भी जो है थोड़े से स्ट्रेस्ड हैं एंड मार्केट भी ऑल टाइम हाई है। तो कंक्लूजन यही है दोस्तों, श्याम मेटेलिक्स हमको लिस्टिंग गेन के लिए आज की डेट में अच्छा दिख रहा है। तो आई होप दोस्तों ये जो है समरी एंड पूरा कंक्लूजन पूरा एनालिसिस आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए डेली आईपीओ से रिलेटेड अपडेट हम लेके आते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।